मौका दिया, तो मैं आप लोगों को अपने थोड़ा जो अलग एक्टिविटी है टाउल आर्ट की, उसके बारे में आपको बता सकूँ और कुछ आर्ट हैं जो हम आज यहाँ पर बनाएंगे। तो बेसिकली हाउस कीपिंग में जो बेसिक आर्ट है उसके बारे में आज आपको बताऊँगा, तो आपको कुछ अलग मिलेगा। जैसे आप किचन में आप देखते होंगे, बाहर में देखते होंगे, किचन में जगलिंग वगैरह, बाहर में जगलिंग वगैरह करते हैं, किचन में कार्विंग वगैरह करते हैं, वैसे ही हम लोग भी गेस्ट के रूम में टावल आर्ट वगैरह करते हैं। तो हाउस कीपिंग में बहुत सारा वर्क होता है, जरूरी नहीं हमारा काम सिर्फ क्लीनिंग है। जैसे रूम डेकोरेशन वगैरह, किसी गेस्ट का एनिवर्सरी है या किसी का कोई भी स्पेशल मोमेंट है, तो उसमें हम लोग ये सब चीज़ें एक्टिविटी करते हैं। जैसे किसी का एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे, या कोई हनीमून कपल, हम उदयपुर में काम कर रहे हैं, हनीमून उदयपुर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है हनीमून के लिए। तो बहुत सारे ऐसे गेस्ट आते हैं हमारे पास जिनके रूम में हम डेकोरेशन वगैरह करते हैं। तो सिर्फ हाउस कीपिंग में जैसे कि आप लोग सोचते हैं सिर्फ क्लीनिंग है, तो क्लीनिंग नहीं है, और भी बहुत सारा काम हम लोग करते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा एक टावल आर्ट है उसके बारे में आज आपको मैं बताऊँगा। तो अभी तक आप सिर्फ टावल यूज़ कर रहे थे नहाने के बाद, तो आज आपको टावल की असली वैल्यू पता चलेगी। तो बहुत सारे मैं चार आर्ट आपके लिए लेके आया हूँ, तो मोस्टली 100+ आर्ट मैं बना देता हूँ, और इससे मैंने एक रिकॉर्ड भी क्रिएट किया है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, और मैं अलग अलग कॉलेजों में जाके ये चीज़ें सिखाता भी हूँ। तो बहुत तो आज आप लोगों को मौका मिला है, मुझे मौका मिला है, तो मैं आज जहाँ काम कर रहा हूँ यहाँ आप लोगों को बता सकूँ। तो जो अदर डिपार्टमेंट वाले उन्हें लगेगा कि थोड़ा अलग है, लेकिन अच्छी चीज़ है। हाउस कीपिंग में कुछ हैं लड़के तो सिर्फ क्लीनिंग कर रहे हैं, उनके साथ साथ ये चीज़ें उनको सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बेसिक टावल आर्ट जो हमारी है, हम स्वान बनाएंगे। तो ये आपने देखा भी होगा, आप कभी होटल बुकिंग करते हैं या होटल की वेबसाइट पर देखते हैं, आपको स्वान की फोटो हमेशा मिलती है। तो स्वान बहुत टाइप के हैं, ऑलमोस्ट मैं 5 टाइप के स्वान बना सकता हूँ। तो आज मैं एक बेसिक आपको बताऊँगा जो आप नॉर्मली आपने हर जगह देखा होगा। तो सबसे पहले हम स्वान बनाएंगे। स्वान बनाने के लिए हमें यूज़ करना है 2 बिग साइज टावल और 2 हैंड टावल। तो माइक इस तरीके से फोल्ड कर लूँगा, तो ये कंप्लीट है। तो आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे आपके पास रूम मैप बना रहे हैं तो आप इसको यहाँ पर से रोज पैटर्न वगैरह लगा के इसे और भी अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं, तो और भी अच्छा खूबसूरत लगेगा। तो ये आर्ट स्पेशली बेड के लिए है, हम कभी भी इसे बना के कोई भी हनीमून कपल है या कोई वेडिंग है कि उनका आप इसे बना के डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा गेस्ट को स्पेशल फील करती है। ठीक है, तो आजकल आप देख रहे होंगे हर होटल में ये चालू है, हर लोग बनाते रहते हैं अपने होटलों में, तो थोड़ा गेस्ट को अच्छा फील होता है। बिग साइज का टावल, मीडियम और एक हैंड टावल, आपने देखा होगा एक दो ही फोल्ड से हम लोग दो चीज, अगर आपको ये फोल्ड आ गए तो आपने देखा होगा स्वान से आप पीकॉक भी बना सकते हैं, पीकॉक से आप स्वान भी बना सकते हैं, इससे आप स्नेल भी बना सकते हैं, इससे कम से कम 5 आर्ट आप बना सकते हैं। तो अगर आपको ये फोल्ड आ गया तो आप इसे 3-4 आर्ट मिनिमम 5 आर्ट आप बना सकते हैं। ठीक है, बनाने के लिए इसे हम आपको टावल जो किसी बेड पे या किसी टेबल पे फोल्ड करके चारों तरफ से इसको फोल्ड कर देंगे। चारों तरफ से अगर आप फोल्ड करेंगे आपको बराबर फोल्ड रखना है, जितना इधर और उतना ही इधर। अगर आप ऐसे टॉप फोल्ड करेंगे तो आप एलिफेंट के लेग जो है अच्छे से इसकी जो बॉडी है अच्छे से सेक में नहीं आएगी, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। चारों तरफ से इस तरीके से फोल्ड करने के बाद बिल्कुल सेंटर तक आपने टावल को दोनों साइड से रोल कर लेना है। रोल की मेक श्योर रोल ज़्यादा टाइट ना करें आप, तो रोल आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेप टाइट लेना है, उसके बाद आपको नॉर्मल इसको रोल करना है बिल्कुल सेंटर पर। बिल्कुल बराबर, अगर आप ये वाला फोल्ड अच्छे से सीन लें तो इससे आप 2 आर्ट बना सकते हैं। आप इसको बिल्कुल ऐसा रखेंगे तो एलिफेंट बन जाएगा, और ऐसे करेंगे तो टैडी बन जाएगा, तो हमें सिर्फ टैडी बनाना है अलग। ठीक है, तो पहले एलिफेंट हम कंप्लीट करेंगे,
डिज़ाइन बनाएं या कोई भी रेसिपी बनाएं तो गार्निशिंग बहुत ज़रूरी है। तो जब आर्ट बना रहे हैं तो फिनिशिंग थोड़ा ज़रूरी है, आपको अच्छे से उसको सेट करना है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, उसके बाद उसको बैक साइड को फ्रंट में लेके ये एलिफेंट का हेड थोड़ा सा आप आगे से इसको थोड़ा सा रोल कर दें। बनाने के बाद आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो एलिफेंट हमारा कंप्लीट है। फोल्ड कर लेंगे,
पहले एलिफेंट बना लेते हैं। तो जैसे हम पहले एलिफेंट बना रहे थे, सेम स्टेप आपको टेडी बेयर बनाने में यूज होगा। तो टॉवल को आपने सबसे पहले लेना है और उसको अच्छे से टेबल पर रखने के बाद चारों तरफ से फोल्ड कर देना है बराबर। जितना आप इधर से करेंगे तो उतना आप उधर से भी करेंगे, ठीक है, चारों तरफ से। और उसके बाद आप उसको फर्स्ट और सेकेंड स्टेप में थोड़ा टाइट रोल करना है, टाइट, नहीं तो फिर बॉडी सेल में नहीं बनेगी, ठीक है। उसके बाद आप उसको करके दोनों तरफ से सेंटर में यूज करना है। मजा नहीं आ रहा आप लोगों को? अच्छा नहीं लग रहा है? मजा आ रहा है। कल से टॉवल का अच्छा यूज करना। तो सबसे पहले हैंड टॉवल देने के बाद आप इसको हाफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। तो फ्रंट का लोगो भी हमें ध्यान रखना है, रेडी का हेड का है, जैसे एलिफेंट आप देखें तो आप फोटो इधर उधर डालोगे तो हमारी भी ब्रांडिंग हो जाएगी। इसको फर्स्ट फोल्ड ट्राइंगल फोल्ड हो जाएगा, उसके बाद आप इसको इस तरीके से फोल्ड करिएगा।
आपका गेस्ट थोड़ा रिलैक्स भी होता है, थोड़ा कुछ बच्चे होते हैं उनको थोड़ा अच्छा फील।